नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन लाइफ चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी आपके दिनों से। और अगर आप एक बेहतरीन सुपर प्रोडक्टिव दिन चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी आपकी सुबह यानी मॉर्निंग से। मॉर्निंग में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो आपके दिन की रफ्तार और दिन में क्या क्या चीज़ें आप कर पाएंगे उसे डिसाइड कर देता है। जब आपकी मॉर्निंग्स प्रोडक्टिव, फोकसफुल एंड क्लैरिटी भरी होती हैं तब आपका दिन भी अच्छा जाता है। और जब दिन अच्छे जाते हैं तो हफ्ते, महीने, साल और आपकी लाइफ भी अच्छी, प्रोडक्टिव और क्लैरिटी भरी निकलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सुबह सुबह करना, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप में भी ये बुरी आदतें हैं तो इन्हें अवॉइड करना आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमारी सुबह की जो रिदम है, सुबह का जो फोकस, क्लैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी है, उसको ये आदतें कम करती हैं। सबसे पहली चीज़, लेट उठना। जब आप लेट उठते हैं सुबह तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, तुरंत ही आप भाग दौड़ में लग जाते हैं तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और स्ट्रेस हार्मोन सुबह सुबह ही जब बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस होते हैं, ओवर द लॉन्ग रन आपको बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुबह एडवाइस किया जाता है कि कम से कम 1 घंटा आप अपनी डेवलपमेंट के लिए रखें। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कि 1 घंटे वाला मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो अगर सुबह लेट उठते हैं तो जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, कम से कम 1 घंटा पहले अपने रूटीन शुरू होने से। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि सुबह उठने के बाद, नींद खुलने के बाद भी बेड पे बैठे रहते हैं। सुबह सुबह हमें मूवमेंट धीरे धीरे शुरू करनी होती है। एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि आपको एटलीस्ट 15 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो माइल्ड वॉकिंग हो, चाहे वो जुम्बा हो, डांस हो, लेकिन कम से कम 15 मिनट आपको अपनी बॉडी को एक्टिविटी देनी है। सुबह उठ के बैठा नहीं रहना। वैसे भी आजकल बैठने की जो आदत है पूरे दिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ओवर अ लॉन्ग रन जैसे जैसे ये आदत जुड़ती जाती है छोटी छोटी कड़ियों में, आपके शरीर में बीमारियां घर करती जाती हैं। तो सुबह उठते ही बैठना नहीं है। गेट मूविंग, गेट गोइंग एंड इफ पॉसिबल 15 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। तीसरी गलती जो हम करते हैं कि अपना बेड नहीं बनाते हैं उठते ही। अगर आपको एक डिसिप्लिंड लाइफ जीनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है अपना बेड बनाना। यूजुअली जो मिलिट्री में भी ट्रेनिंग दी जाती है तो कैडेट्स को सबसे पहली आदत सिखाई जाती है कि सुबह उठते ही आप अपना बेड बना लीजिए। इससे वो कैडेट धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर बेड फैला हुआ है तो उससे नेगेटिविटी भी बहुत आती है और वो नेगेटिविटी आपके माइंड को भी क्लाउड करती है, तो इसीलिए सबसे पहले अपना बेड बना लीजिए। चौथी आदत जो है कि आप नेचुरल लाइट को अपने घर के अंदर आने नहीं देते हैं। बजाय नेचुरल लाइट के अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं तो इससे आपकी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब्ड हो जाती है। बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है और बॉडी का जो बैलेंस है नेचर के साथ में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह सुबह सारे कर्टन्स हटा दीजिए, विंडोज़ को खोल दीजिए, सूरज की धूप को और फ्रेश हवा को अंदर आने दीजिए। जितना हो सके आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ कम करिए। वह उठते ही सोशल मीडिया खोल के फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा देखने लगते हैं। सुबह उठते ही अपने डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करने से आपका जो फोकस अपनी डेवलपमेंट में होना चाहिए था वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपके माइंड में नोटिफिकेशन, न्यूज़, फोटोज़ एक्सेट्रा सब आ जाती है ना, तो आपका फोकस लूज हो जाता है जो आपको एक प्रोडक्टिव सुबह के लिए चाहिए था। ये सुबह उठते ही अगर आपको चेक करना है तो मैसेजेस, ईमेल्स चेक करिए 5 मिनट में और फ़ोन को दूर रख दीजिए जब तक आपके रूटीन टास्क्स पूरे नहीं हो जाते हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ ना करें। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं कि हम सबसे पहली चीज़ चाय या कॉफ़ी पीते हैं। सुबह उठते ही आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको गर्म पानी या नींबू पानी या नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर काफ़ी हेल्प करेगा। सुबह उठते ही पहला ड्रिंक आपको कॉफ़ी या टी नहीं लेना है। सुबह उठते ही आप पानी पीजिए,
अपनी बॉडी को फ्लश कीजिए, फ्रेश होइए एंड उसके बाद ही अपना पहला ड्रिंक कॉफ़ी या टी बनाइए। अगली गलती जो आप करते हैं कि सुबह उठ के प्रे नहीं करते हैं, अपने साथ साइलेंस में बैठते नहीं हैं। सुबह उठते ही ना पहली चीज़ जो आपने करनी है कि भाई साइलेंस में बैठना है और भगवान का थैंकफुल ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि आज का दिन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और दिन के लिए कुछ अफर्मेशंस करनी है कि आज का दिन को मैं ऐसा बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा, मैं इस फिलॉसफी पे चलूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले अपने साथ बैठें, प्रे करें, अकेलेपन को इंजॉय करें, अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करें और उन्हें अपनी मॉर्निंग के एक्शन से अलाइन करें। तो 15 मिनट कम से कम आपको उस चीज़ को भी देने चाहिए। अगली गलती जो आप करते हैं कि कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं होता। कई बार आप उठ जाते हैं लेकिन कोई रूटीन ही नहीं होता। अगर आपका एक रूटीन इन प्लेस होगा तो आप देखेंगे कि आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। जनरली जो लोग उठते ही नहीं हैं उनके पास कोई रूटीन नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई वैल्यूबल एक्टिविटी नहीं होती मॉर्निंग में करने के लिए। तो आपको अपने लिए वो पर्पज़ ढूंढना है, वो रूटीन आपने सेट करना है, उन चीज़ों को जो वो रूटीन में है उनका अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस समझना है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें 1 आवर मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको बताया था, 15-15 मिनट की 4 एक्टिविटीज़ आपको बताई थी। अगर आप सुपर बिजी हैं, आपकी मॉर्निंग सुपर बिजी है, तो उस रूटीन से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रेफरेबल एक्टिविटीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं कि अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाते। ये बहुत ही कॉमन है आजकल के यूथ में, पता नहीं उनको क्या जल्दी है कि वो घर से पेट पूजा किए बिना ही निकल जाते हैं। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि ओवरनाइट भी आपकी बॉडी भूखी थी और अगर सीधे 10 या 11 बजे जाके उसे प्रॉपर मील मिलता है तो बॉडी के सेल्स स्टार्व होते हैं। इतनी लंबी स्टार्वेशन आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट करना, सही टाइम पे करना और सही न्यूट्रिएंट्स वाला एनर्जी डेंस ब्रेकफास्ट करना आपके पूरे दिन के लिए हेल्पफुल होता है। आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा होममेड हेल्दी प्रोटीन डेंस एंड कार्बोहाइड्रेट डेंस ब्रेकफास्ट करना। अगली गलती जो आप करते हैं कि यू डोंट टेक बाथ। यस, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि दे डोंट टेक बाथ ऑन फ्यू डेज ऑफ अ वीक। देखिए, बाथ करने से यू क्लीन ऑल द इम्प्योरिटीज आउट फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी एज वेल एज योर माइंड स्टार्ट्स फीलिंग फ्रेश। आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आपकी बॉडी भी फ्रेश होती है एंड यू आर रेडी फॉर द न्यू डे। तो जिनको भी ये आदत है कि सुबह उठते ही बाथ नहीं लेते हैं ऑल टुगेदर, या फिर 11 बजे बाथ ले रहे हैं, 12 बजे ले रहे हैं या फिर शाम को आके ले रहे हैं, वो आपकी रूटीन में हैम्पर करता है, आपको वो सही टाइम नहीं होता। आप 2 बार लें, आप सुबह लें शाम को लें, दैट इज़ ओके, बट आप पूरे ही दिन का बाथ अगर शाम में आके ले रहे हैं सो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। ये थी 10 एक्टिविटीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है सुबह करनी। अगर आपके पास भी कोई और एक्टिविटी है जो नहीं करनी चाहिए और आसपास आप लोगों को करता देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।